ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मुंगेली की संगवा पंचायत की। जी हाँ, यहाँ पंचायत के सरपंच की जानकारी के बगैर रोजगार सहायक और सचिव ने लाखों की राशि का बंदरबांट कर लिया। इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर से करने के बाद कलेक्टर ने जांच की बात कही थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई गई है। रोजगार सहायक यशवंत कौशले और गांव के सचिव युधिष्ठिर वैष्णव ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए मौजूदा सरपंच विमला हेरीलाल की जानकारी के बगैर लाखों रुपए की हेराफेरी की। वहीं रोजगार सहायक यशवंत कौशल ने फर्जी मस्टर रोल पर हस्ताक्षर कर राशि निकाल ली। इधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सागर सिंह ने कहा है कि ये गंभीर मामला है, इस पर वो कलेक्टर को अवगत कराकर कार्रवाई के लिए कहेंगे। वहीं मुंगेली कलेक्टर का कहना है कि जांच के लिए जिला पंचायत सीईओ को कहा गया है, वो जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सारी बात मुझे अभी आपके माध्यम से पता चल रही है। अगर इस तरह की, ये तो बहुत मैं कहता हूँ गंभीर बात है, अगर इस तरह की कोई बात हुई होगी तो मैं तो बिल्कुल इसमें तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आया भी हूँ, आज कलेक्ट्रेट आया हूँ। ये प्रकरण सीओ जिला पंचायत को मैंने जांच करने भेजा हुआ है, दिया है, और उनका वो सेक्शन के ऑफिसर है, वो जांच करके मुझे प्रस्तुत करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रोहित, किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? कहना चाहूंगा निर्मल, के कोरोना संकट काल में राज्य सरकार ने मनरेगा पर फोकस करते हुए, ताकि जो लोगों के सामने रोजगार के संकट है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा कार्य पर फोकस किया था। इसमें मुंगेली जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत संगवा कापा में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की गई है, और इस पूरे मामले की शिकायत कोई और नहीं बल्कि ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और ग्रामीण ही है, जो कि रोजगार सहायक और सचिव के खिलाफ शिकायत किए हुए आज महीना भर गुजरने को है, लेकिन आज तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते जो भ्रष्टाचारी है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनके भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और पूरा जो प्रकरण ये था कि यहाँ पर रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी मस्टर रोल तैयार किया गया है, 50 से अधिक ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं किए हैं, जो कभी ऐसे कामों में जाते भी नहीं है, उनके नामों का जिक्र करते हुए पैसे आहरित किए गए हैं। इसके अलावा रोजगार सहायक ने अपने खुद के नाम का एजेंसी बनाया हुआ है, फर्म बनाया हुआ है, जिससे कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और छड़, गिट्टी, मुरुम आदि सप्लाई के नाम पर खुद वो अपने फर्म में भुगतान किए हैं। इसके अलावा पूर्व जब सरपंची काल था उसमें भी उन्होंने भुगतान किया है, ऐसे मतलब लाखों रुपए के भुगतान उन्होंने खुद के फर्म को किया है। इन सारे मामलों की शिकायत जो है लिखित में ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्रामीण और पंचों ने की है, इसके बावजूद किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे ऐसा तो लगता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी तेज हो गई है। और जिला अध्यक्ष भी ने कहा है कि वो इस मामले में कलेक्टर से बात करके कार्रवाई जरूर करवाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज महीना भर गुजरने को है लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन जो अधिकारी है उन्होंने जो टीम भेजी थी वो टीम सिर्फ औपचारिकता। रोहित, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ होरीलाल जो है वो खुद जुड़ चुके हैं। होरीलाल जी, क्या कुछ है पूरा मामला? वही है सर, कोई किसी प्रकार की जानकारी हमें नहीं दी जा रहा है रोजगार सहायक के द्वारा जी। और पहले मास्टर रोल में बिना सरपंच कराए जो है पूरा पैसा जो है हरण कर दिया गया, बाद में जानकारी हुआ तो उनको बोला वो अधिकारी लोग मेरे को आनन फानन मंगाए तो मास्टर रोल को ले जा करके देना पड़ा, ऐसे करके रोजगार सहायक द्वारा बताया गया। ऐसे बहुत सारे काम है जिस काम के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल होरीलाल जी, बहुत ही गंभीर मामला है। इस वक्त जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शीलू जी, किस तरीके से हुआ ये फर्जीवाड़ा और आपको क्या उम्मीद लगती है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? जी ये फर्जीवाड़ा मुझे, मैंने जैसा कि बताया था कि ये मिलीभगत के बिना हो नहीं सकती जी, जी। अकेले ये किसी एक की बस की बात हो नहीं सकती, इसमें मिलीभगत है जी। और जैसा कि मैंने जानकारी ली जिला पंचायत से जी। तो उनका, उन्होंने ग्रामीणों के असहयोगात्मक बर्ताव का हवाला देते हुए सुरक्षा बल के साथ जाकर ही हम जांच कर पाएंगे, ऐसा कहना है उनका जी। बट मुझे ये चीजें सही नहीं लग रही है। ऐसे एक्सक्यूजेज तभी अच्छे लगते हैं जब सत्ता सरकार आपकी ना हो जी। इस जिले में सत्ता सरकार आपकी है जी। जिले के, जिला पंचायत के राजनीतिक प्रमुख भी उसी सत्ता सरकार के हैं, फिर आप ऐसे एक्सक्यूजेस देकर
जांच नहीं कर पाना और कार्यवाही उचित नहीं कर पाना। जी बिल्कुल शीलू जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको कार्रवाई की उम्मीद कम ही है, ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही होगा कि मैं कलेक्टर महोदय, मैं तो पहले राजनीतिक प्रमुख से सवाल करूंगी कि इस बात को, इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, मैं कलेक्टर महोदय से ये दरख्वास्त करूंगी कि आप इसको गंभीरता से लेकर, मैं खुद ही कलेक्टर महोदय से बोलूंगी कि आप इस विषय को गंभीरता से लीजिए और इसकी कार्यवाही में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। शिलू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लाखों का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, तो इससे प्रभावित पक्ष कौन कौन से हैं और किन लोगों का हक यहाँ पर मारा गया है? जी, इसमें जितने आम ग्रामीण लोग हैं, जो मासूम जनता है, जिनको आप सही तरीके से अगर वितरित की जाए, आज गांधी जी की जयंती के मौके पे जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक लास्ट पर्सन को भी बिल्कुल हर योजनाओं तक पहुंच होनी चाहिए, तो अगर हम उस गांव की ग्रामीण जनता की पहुंच नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, वे प्रभावित हो रहे हैं, एक आम नागरिक बिल्कुल बिल्कुल, जो अंतिम व्यक्ति का, अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, उस तक सहायता सरकारी नहीं पहुंच पा रही है, उसका हक मारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शीलू जी आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े, उनका भी शुक्रिया। बढ़ना